अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली उसमें अक्सर बोलते हैं ना, ये कहना आसान है और करना मुश्किल। माफ़ करना और भूल जाना कहना आसान है और करना मुश्किल। किसी को कुछ समझाना कहना आसान है और करना मुश्किल है। सो इस तरह के सेंटेंसेस हम अक्सर बोलते हैं कि कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। सो इसके लिए हम क्या फ्रेज यूज़ करेंगे, इसको एडवांस तरीके से किस तरह से बनाएंगे, इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। इसके लिए जो हमारा फ्रेज यूज़ होगा वो होगा ईजियर सैड देन डन। ईजियर सैड देन डन यानी कहना आसान है और करना मुश्किल है। देखें, इसके फ्रेज से ही साफ जाहिर हो रहा है कि ईजियर सैड मीन्स कहना आसान है देन डन करने से। ठीक है, करने से कहना आसान है, इस तरह का सेंस है। तो वही निकलता है कि कहना आसान करना मुश्किल है। ठीक है, सो लेट्स यूज इट इन द सेंटेंसेस। ये कहना आसान है और करना मुश्किल। ये कहना आसान और करना मुश्किल सिंपल इस तरह बनेगा, इट इज़ ईजियर सैड देन डन। इट इज़ ईजियर सैड देन डन। नेक्स्ट सेंटेंस इज किसी बुरी आदत को तर्क करना कहना आसान है और करना मुश्किल। किसी बुरी आदत को तर्क करना, यही हमारा सब्जेक्ट बनेगा जो कि हम बनाएंगे जेरंड में। किस तरह देखें, टॉसिंग ऑफ अ बैड हैबिट। टॉस ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है तर्क करना, छोड़ देना। ठीक है, सो टॉसिंग ऑफ अ बैड हैबिट इज़ ईजियर सैड देन डन। यानी कि बुरी आदत को तर्क करना इतना भी आसान नहीं है जितना कहना आसान है। ठीक है, इस तरह का सेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस इज माफ़ करना और भूल जाना कहना आसान है और करना मुश्किल। माफ़ करना और भूल जाना कहना आसान है और करना मुश्किल। तो बनेगा टू फॉरगिव एंड फॉरगेट इज़ ईजियर सैड देन डन। टू फॉरगिव एंड टू फॉरगेट इज़ ईजियर सैड देन डन। नेक्स्ट सेंटेंस, कपड़े धोना कहना आसान है और करना मुश्किल। कपड़े धोना कहना आसान है और करना मुश्किल। तो बनेगा वॉशिंग क्लॉथ्स इज़ ईजियर सैड देन डन। वॉशिंग क्लॉथ्स इज़ ईजियर सैड देन डन। आई होप कि आपको ईजियर सैड देन डन का यूज़ समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू टू ट्रांसलेट। किसी को कुछ समझाना कहना आसान और करना मुश्किल है। किसी को कुछ समझाना कहना आसान और करना मुश्किल है। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।